नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। समाजवादी पार्टी में फिर एक बार होने वाले निकाय चुनाव में विधानसभा के संपन्न हुए चुनाव जैसे हालात बनते जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीतापुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में टिकट को लेकर दो पूर्व विधायकों के बीच जो जंग देखने को मिली थी, वैसा ही एक बार फिर दंगल होता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल और पूर्व विधायक राकेश राठौर के बीच सख्त प्रदर्शन हुआ था। उस समय भी राधेश्याम जायसवाल ने सपा के प्रत्याशी वाले होर्डिंग से नगर को पाट दिया था। फिर भी दूसरी तरफ पूर्व विधायक राकेश राठौर का प्रचार वाला रिक्शा चलता रहा था। कुछ दिनों बाद पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई उसमें राधेश्याम जायसवाल का नाम शामिल हुआ, लेकिन राकेश राठौर का नाम नहीं आया। राकेश राठौर भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। सपा के कार्यक्रमों में वह ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे थे। विधानसभा चुनाव में टिकट न पाने के बाद राकेश राठौर ने निकाय चुनाव में सपा से टिकट की चाहत रखते हुए जैसे ही सीतापुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ, अपनी पत्नी नील कमल के लिए टिकट के लिए आवेदन कर दिया। इस बीच फिर एक बार राधेश्याम जायसवाल ने अपनी बहू सीतापुर नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष रश्मि जायसवाल को चुनाव लड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर नगर में रश्मि जायसवाल को सपा प्रत्याशी के रूप में बताकर जोरदार उपस्थिति दर्ज करा दी। राधेश्याम जायसवाल 4 बार सदर से विधायक रहे हैं और 3 बार नगर पालिका परिषद सीतापुर के अध्यक्ष रहे हैं। रश्मि जायसवाल भी नगर पालिका परिषद सीतापुर की अध्यक्ष रह चुकी हैं। सपा में कहीं न कहीं से मिले आश्वासन के बाद ही राधेश्याम जायसवाल ने अपनी बहू रश्मि जायसवाल को सपा का प्रत्याशी बताते हुए होर्डिंग से नगर को पाटा है। इसको लेकर बिना कोई देर किए पूर्व विधायक राकेश राठौर सीधे सैफई जा पहुंचे। स्थानीय सपा नेताओं के साथ पहुंचकर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आशीर्वाद लेने के बाद वह आश्वस्त दिखाई दिए कि इस बार सपा उन्हें निराश नहीं करेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूर्व विधायक राकेश राठौर की मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगी, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर लग गई हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से असल में किसे आशीर्वाद दिया गया है। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगरपालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला, चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महाकवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया, निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल, वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।